नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रही क्रेशर मशीनें, धूल के गुब्बारों से ग्रामीण परेशान। सीएम हेल्पलाइन सहित थाने पर की शिकायत। सिंगरौली जिले के करामी भावखाड़ गांव में चल रही पत्थर की क्रेशर मशीनों पर जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। ऐसा नहीं है कि इस मामले की सूचना प्रशासन को नहीं है। सूत्रों बताते हैं कि माइनिंग विभाग का प्रतिमा फिक्स होता है, जिसके चलते माइनिंग अधिकारियों को इन क्रेशर मशीनों पर पहुंचकर देखने तक की फुर्सत तक नहीं है। हालात यह है कि खनन से गांव के रहवासियों का जीवन व्यापन करना दुश्वार हो गया। क्रेशर मशीन संचालक द्वारा खुली आम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालात ये हैं कि इन दिनों गिट्टी क्रेशर संचालकों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम कायदों को खाक पर रखकर काले पत्थर का कारोबार किया जा रहा है, जिसे ग्रामीण परेशान है। ऐसे में रोजाना बड़ी तादाद में क्रेशरों से निकलने वाली धूल हवा में घुलकर राहगीरों सहित गांव में रहने वाले लोगों की सेहत पर खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों को शुद्ध वातावरण नसीब नहीं हो पा रहा है, जिससे दिन प्रतिदिन लोग दमा, टीवी, खांसी आदि गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट। हाँ बताइए, क्या परेशानी है? हमारे भावखाड़ सलासर क्रेशर मतलब कि लॉकडाउन में चला रहे हैं, इतना धूल उड़ रहा है कि पानी नहीं डाला जा रहा है इसमें। क्या नाम है आपका? राकेश जायसवाल, भावखाड़। कौन से पंचायत में है क्रेशर? ग्राम भावखाड़। क्या नाम है क्रेशर का? सलासर स्टोर। तो अभी तो निकाल रहा है धुआं, तो पानी भी डालने का ना आदेश है? पानी डाल ही नहीं रहे हैं जी, तो पूरा डस्ट उड़ रहा है। जी जी, तो क्या इसमें आप चाहते हैं, कार्रवाई चाह रहे हैं? जी सर, कार्रवाई चाह रहे हैं हम। इसका मतलब लॉकडाउन का मतलब ये बंद किया जाए या फिर जी कुछ प्रदूषण विभाग से जांच कराया जाए जी, कितना प्रदूषण। जी 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 सर। ठीक, आपका नाम? राकेश जायसवाल।